आपने बाहुबली फिल्म के इस हीरोइन को तो जरूर देखा होगा। बाहुबली फिल्म के बाद ये कहां गायब हो गई, आज जानेंगे। रशिया ने बनाया ऐसा हथियार कि दुश्मन के सैनिक उनको देख ही ना पाए, और प्रधानमंत्री मोदी कौन सा फोन यूज करते हैं जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, बाहुबली में देवसेना का किरदार निभाने वाली अनुष्का शेट्टी को तो आप सभी जानते ही होंगे, पर आज हम आपको बताएंगे उनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे किस्से जो आपने शायद ही पहले कभी सुने हो। अनुष्का का असली नाम स्वीटी शेट्टी था, पर फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपना नाम अनुष्का रख लिया था। अनुष्का असल में एक योगा टीचर बनना चाहती थी, पर योगा की क्लासेस देते हुए उनकी मुलाकात हुई डायरेक्टर ईश्वर निवास से, जो अपनी पत्नी के साथ अनुष्का की योगा क्लासेस अटेंड करते थे। उस दौरान डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ एक फिल्म पर काम कर रहे थे जिसके लिए उन्हें एक नया चेहरा चाहिए था, और ईश्वर ने पुरी को अनुष्का का नाम सजेस्ट किया, और ऐसे में अनुष्का ने अपनी पहली फिल्म मिली जिसमे उनके साथ नागार्जुन को देखा गया। ये फिल्म ज्यादा नहीं चली, पर इस फिल्म ने अनुष्का को ग्लैमर टूल की तरह लोगों के सामने रखा। अनुष्का ने कुछ और फिल्में की जो ज्यादा नहीं चली। फिर उनकी आई फिल्म विक्रमारकूडू, जो बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही, और यहाँ से अनुष्का ने फिल्मी करियर का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। उन्होंने अरुंधति में डबल रोल किया, जहाँ से उन्होंने फीमेल सुपरस्टार का टाइटल मिल गया, क्योंकि ये एक हीरोइन सेंट्रिक फिल्म थी जो तेलुगु सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। बाहुबली में भी उनके काम को काफी सराहा गया। आज अनुष्का साउथ की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस है। अनुष्का की माने तो वे असल जिंदगी में काफी शर्मीली है, पर पर्दे पर वे अपना 100% देना पसंद करती है। अनुष्का फिलहाल कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जिसकी जानकारी अभी तक पब्लिक में नहीं आई है। अब देखना यह है कि अनुष्का आने वाले टाइम में क्या धमाल मचाती है। नंबर 8, युद्ध जरूरी नहीं कि सिर्फ खून खराबे से ही जीते जाए, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रशिया। कैसे, चलिए आज आपको बताते हैं। रशिया के पास कई एडवांस्ड हथियार है जो कुछ ही सेकंड्स में दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। बावजूद इसके रूस ने एक ऐसा हथियार डेवलप किया है जिसके चलते वो बिना चोट चलाए दुश्मन को पीछे धकेल सकता है। रशिया का ये हथियार कुछ इस तरीके से काफी भारी मात्रा में स्मोक क्रिएट करता है, जो महज कुछ सेकंड्स में इस तरीके से फैल जाती है। ऐसे में दुश्मन को रशियन आर्मी की लोकेशन का पता लगाने में मुश्किल होती है, और वे पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझते हैं। नंबर 7, आपने आज तक कई छोटे बड़े ब्रिज देखे होंगे, पर क्या आपने कभी कोई ऐसा ब्रिज देखा है जहां से सिर्फ आर्मी टैंक्स ही गुजर सकते हैं? चलिए आज आपको दिखाते हैं एक ऐसा ब्रिज। वीडियो में दिख रहा ये ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसे सिर्फ टैंक्स ही पार कर सकते हैं, और इसके पीछे का कारण तो आप वीडियोस में देख सकते हैं। इस वीडियो के ब्रिजेस का World War II के दौरान काफी बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इन्हें जल्दी ही बनाया जा सकता था और फिर इस्तेमाल के तुरंत बाद डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता था। नंबर 6, दुनिया भर में कई शानदार म्यूजिशियंस हैं जो अपनी आर्ट से लोगों के दिलों पर राज करते हैं, पर आज हम आपको एक ऐसे म्यूजिशियन से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी भी चीज में से सुरीली धुन निकाल सकते हैं। मिलिए जेवियर लोजानो से। बार्सिलोना के रहने वाले जेवियर को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट के बारे में इतनी जानकारी है कि वे किसी भी ऑब्जेक्ट में छेद करके उसमें से सुरीली धुन निकाल सकते हैं, जैसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। ऐसा करने की काबिलियत रखने वाले वे दुनिया के इकलौते इंसान हैं। नंबर 5, अगर कभी आप इथियोपिया जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके के बड़े बड़े बैम्बू टावर्स देखने को मिल जाएंगे, पर आखिर इन टावर्स का काम क्या होता है, ये आज हम आपको बताएंगे। इन टावर्स को वार्का वाटर टावर नाम से जाना जाता है, जो 30 फीट लंबे और 13 फीट चौड़े होते हैं। इन टावर्स को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये हवा में मौजूद मॉइस्चर को सोख कर उसे पीने के पानी में बदलते हैं। इन टावर्स को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ये टावर्स एक दिन में 13 से 26 गैलन पानी को हवा से निकालते हैं। इन टावर्स को आर्टुरो विटोरियो और उनकी टीम ने तैयार किया है ताकि जिन इलाकों में सूखा पड़ता है वहां लोगों तक पीने का पानी पहुंचाया जा सके। नंबर 4, रेलवे स्टेशन पर आमतौर में जितने लोग होते हैं उन्हें या तो कहीं जाना होता है या भाई कहीं से आए होते हैं, पर आज हम आपको भारत के कैसे रेलवे स्टेशन पर लेके चलेंगे जहां पैसेंजर से ज्यादा स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन की। सासाराम में बिजली ज्यादातर टाइम गुल ही रहती है, ऐसे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे बच्चे रेलवे स्टेशन पर जाकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सासाराम में वही एक ऐसी जगह है जहां दिन भर बिजली आती है। क्या आप इस बारे में पहले से जानते थे, कमेंट्स में लिखकर बताइए। नंबर 13, कई बार स्पेस में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है जो काफी रहस्यमयी होती है, और ऐसा ही कुछ रिकॉर्ड किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने। ISS की एक टीम ने मून पर कुछ इस तरीके की रोशनी देखी जो काफी दूर तक फैली हुई थी। ये पहली बार नहीं था, इस तरीके की रोशनी पहले भी देखी जा चुकी है। नासा द्वारा चांद पर भेजे गए अपोलो 17 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स ने भी
चांद पर उतरने से पहले कुछ इसी तरीके की तेज रोशनी को देखा था। आखिर ऐसी रोशनी चांद पर कहां से पैदा हो रही है, इसके बारे में कोई भी जानकारी किसी भी स्पेस एजेंसी के पास नहीं है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 2, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कई बार लोग ऐसे काम कर देते हैं जिन्हें कर पाना तो दूर, उन्हें करने के बारे में सोचने में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल ही में किया गया यूएसए के स्काई ड्राइवर KEB कैथ एडवर्ड सिंटर ने। 1 नवंबर 2021 को कैथ ने स्काई सर्फिंग करते हुए सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर स्पिन्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए उन्होंने 13,500 फीट की उछाल से छलांग लगाई और फिर आगे का नजारा जो था वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मेरा तो सर चकरा गया कैथ को ये करते देखकर। अब इतना खतरनाक काम किया है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट तो मिलना ही था। नंबर 1, आपके दिमाग में भी कभी न कभी ये सवाल आया होगा कि हमारे देश के PM कौन से फोन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर हमारे PM के पास कौन सा फोन है। हमारे PM को ज्यादातर टाइम iPhone में सेल्फी लेते दिखाया जाता है, पर यह फोन सिर्फ किसी इवेंट के दौरान सेल्फी के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। PM रेगुलर बेसिस पर जो फोन इस्तेमाल करते हैं उसे रेक्स फोन के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड एरियाज एक्सचेंज फोन। ये एक सैटेलाइट फोन होता है जिसको हैक कर पाना नामुमकिन होता है। PM के फोन पर नजर रखने के लिए बाकायदा एक टीम होती है जो इस बात का ध्यान रखती है कि PM के फोन से कोई भी डेटा लीक न हो, क्योंकि पूरे देश का दारोमदार PM के कंधों पर होता है। ऐसे में PM के फोन से डेटा लीक होने पर पूरे देश को खतरा हो सकता है। नंबर 9, अगर आप TV खोलकर देखेंगे तो आपको कई एक्ट्रेस फेयरनेस क्रीम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एड्स करते दिख जाएंगे और ऐश्वर्या राय भी इन्हीं में से एक नाम है। पर हाल ही में ऐश्वर्या राय ने अपने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। ऐश्वर्या ने अमेरिकन TV पर्सनैलिटी टायरा बैंड्स के एक शो के दौरान कहा कि अंदरूनी खूबसूरती मैटर करती है और कुछ नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी किसी फेयरनेस क्रीम और ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं किया और उनकी इसी बात पर लोग भड़क गए, क्योंकि ऐश्वर्या ने 1992, 2006 और 2009 में ऐसी कंपनीज के साथ काम किया जो फेयरनेस क्रीम्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती हैं, जिनकी एड्स अभी भी आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। ऐश्वर्या की प्रमोट की गई क्रीम्स फेयरनेस लाती है या नहीं इसका तो पता नहीं, पर ऐश्वर्या का झूठ काफी सेव्ड है, ये हम सब ने देख लिया। नंबर 8, मानव इतिहास कई हजार साल पुराना है और इस बात का सबूत हमें टाइम टाइम पर मिलता रहता है। ऐसा ही एक सबूत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस फोटो को देखिए। फोटो में दिख रहे इस जानवर का नाम है ल्यूबा, जो कि एक मैमथ का बच्चा है। ल्यूबा आज से 41,800 साल पहले मरा था और उस टाइम इसकी बहस 30 से 35 दिन ही थी। मई 2007 में नैनिथ रेनडीर ब्रीडीर और हंटर यूरी खुदी और उनके तीन बेटों ने ल्यूबा को पहली बार रशिया के आर्कटिक यामल पेनिनसुला में देखा था और उसे रशियन आर्कियोलॉजिकल अथॉरिटीज को सौंप दिया था। फिलहाल ल्यूबा को सेलेकार्ड के शिमेनोविस के म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 7, एलन मस्क दुनिया के एक ऐसे इंसान है जिनका दिमाग खुराफात से भरा हुआ है और इसी खुराफात के चलते उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना दी और अब जल्द ही वे एक AI बेस्ड रोबोट भी बनाने जा रहे हैं जो आलसी लोगों के लिए काफी कारगर साबित होगा। क्या है पूरा किस्सा, चलिए आज आपको बताते हैं। टेस्ला ने एक ऐसा रोबोट बनाने का फैसला लिया है जो लोगों को दिन भर के छोटे मोटे कामों से छुटकारा देगा, जैसे ग्रोसरीज लाना, कुत्ते को सैर पर लेके जाना आदि। इस रोबोट का नाम होगा टेस्ला बोट और उसकी एक झलक टेस्ला अपने एक AI बेस्ड इवेंट में भी देख चुका है। इस रोबोट की हाइट होगी 5 फीट 8 इंच और इसका वजन होगा 57 किलोग्राम। इस रोबोट के फेस की जगह एक LED स्क्रीन होगी जो यूजर्स को रोबोट में इनपुट डालने में मदद करेगी। अब देखना यह है कि ये रोबोट मार्केट में कब तक आता है। नंबर 6, इतिहास में एक ऐसा अभियान भी चलाया गया था जिसमें 3 टन के बर्फ के टुकड़े को ट्रक में रखकर आर्कटिक सर्कल से सेंट्रल अफ्रीका में स्थित इक्वाटोर तक 8500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करवाई गई और इस दौरान महज 11% बर्फ ही पिघली। पर आखिर ऐसा अभियान चलाया है क्यों गया था, चलिए आज आपको बताते हैं। बात है 1958 की। यूरोप के फेमस रेडियो स्टेशन रेडियो लग्जमबर्ग ने ये अनाउंसमेंट किया कि अगर कोई व्यक्ति 3 टन के बर्फ के टुकड़े को आर्कटिक से सेंट्रल अफ्रीका पहुंचा देगा तो उसे पहुंचाई गई हर किलोग्राम बर्फ के बदले आज के हिसाब से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। सहारा रेगिस्तान की तपती गर्मी को ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने आगे नहीं आया, पर एक साल बाद इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया नॉर्वे की इंसुलेटिंग वूल बनाने वाली कंपनी ग्लासवॉट ने और इस चैलेंज को जीतने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। पर ग्लासवॉट की तैयारी देखकर रेडियो ने अपना चैलेंज वापस ले लिया, पर बावजूद इसके ग्लासवॉट ने इस टास्क को पूरा किया जिसमें उन्हें 27 दिनों का टाइम लगा और जब उनका ट्रक सेंट्रल अफ्रीका पहुंचा तो 3 टन बर्फ का सिर्फ 11
प्रतिशत हिस्सा ही पिघला था और बाकी की बर्फ को अफ्रीका के लोकल लोगों में बांट दिया गया जिन्होंने पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी। इस टास्क को ग्लासवाट ने एड कैंपेन की तरह इस्तेमाल किया। नंबर 5, फिलहाल थाईलैंड के कई इलाके भारी बारिश के चलते बाढ़ के शिकार हो रहे हैं, पर इसी बीच एक कैफे ऐसा भी है जो बाढ़ वाले इलाके में लोगों को गर्मा गर्म खाना परोस रहा है। हम बात कर रहे हैं चाओ प्राया एंटीक कैफे की। बैंकॉक के पास नोथाबुरी में मौजूद इस कैफे को चाओ प्राया नदी के किनारे पर बनाया गया है जो हमेशा उफान पर रहती है और बाढ़ के चलते उसका पानी किनारों के बाहर आ गया है। इस कैफे में खाना खाने के लिए बैठने वाले लोगों के आधे पैर पानी के अंदर होते हैं, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। कैफे के मालिक का कहना है कि यहाँ आने वाले लोग कैफे में खाना खाने के इस स्टाइल को काफी पसंद करते हैं जहाँ एक तरफ उन्हें गर्म खाना मिल रहा है और दूसरी तरफ उनके पैरों को ठंडी पानी की लहरें। नंबर 4, आपने आज तक कई तरीके के छोटे बड़े ब्रिज देखे होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसा ब्रिज दिखाएंगे जो ईंटों से बना दुनिया का सबसे ऊंचा और पुराना ब्रिज है। हम बात कर रहे हैं दी गॉट्स वियाडक्ट की, जो कि जर्मनी में मौजूद एक रेलवे ब्रिज है। इस ब्रिज को 1851 में बनाकर तैयार किया गया था। कहा जाता है कि इस ब्रिज में 2,60,21,000 ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। इस ब्रिज की लंबाई है 78 मीटर यानी 256 फीट, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा ईंटों का बना ब्रिज बनाता है। इस ब्रिज को दुनिया के सबसे खूबसूरत ब्रिजेस में से एक भी कहा जाता है, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 3, आपने आज तक कई शानदार आर्ट्स को देखा होगा, पर आज हम आपको एक ऐसी आर्ट दिखाने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को भी सन्न कर देगी। वीडियो में दिख रही इस बड़ी सी लोमड़ी को बनाया है फिनलैंड के एक बिल्डिंग डिजाइनर पासी विडग्रीन ने। इस लोमड़ी को पासी ने फिनलैंड की जमी हुई लेक पित्काजारवी के ऊपर बनाया है जो कि हेलसिंकी के नॉर्थ में मौजूद है। 90 मीटर लंबे इस आर्टवर्क को बनाने के लिए पासी ने महज एक शॉ का इस्तेमाल किया है। मजेदार बात यह है कि ऐसे बड़े आर्टवर्क्स को पासी पिछले 6 सालों से बना रहे हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा हीरो दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, आप भी जब अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं तो गाड़ी से बाहर आके खड़े हो जाते हैं कि कहीं पेट्रोल पंप वाला कम तेल डालकर आपसे ज्यादा पैसे ना ले ले। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा सिर्फ हमारे देश भारत में ही होता है। यूरोप, अमेरिका, यूके, यूएई जैसे डेवलप्ड देशों में लोग अपनी गाड़ी से नहीं उतरते और ना ही मीटर चेक करते हैं। वे बस पैसे देते हैं और कितना ऑयल डालना है ये बताते हैं। बाकी का सारा काम पंप पर खड़ा स्टाफ करता है क्योंकि वहां के लोगों के बीच में काफी ट्रस्ट है। वे ये बात जानते हैं कि अगर उन्होंने पंप पर खड़े कर्मचारियों को 500 का पेट्रोल डालने के लिए कहा तो वो कोई बेईमानी नहीं करेगा। और हम लोगों में इसी चीज की कमी है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में बताएं। नंबर 1, आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि आखिर हमारे मोबाइल नंबर में 10 ही डिजिट क्यों होते हैं। तो चलिए आज आपको इसका जवाब देते हैं। जब मोबाइल नंबर बनाए जा रहे थे तब उनको बनाने वाले लोगों ने सोचा था कि एक देश में 1 बिलियन से ज्यादा लोग नहीं हो सकते और 0 से 9 के बीच 1 बिलियन अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मोबाइल नंबर्स को 10 डिजिट्स पर रखा गया। पर टाइम के साथ साथ हमारे देश की पॉपुलेशन 1 बिलियन से आगे निकल गई। ऐसे में अब और ज्यादा मोबाइल नंबर्स की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए पहले जो नंबर 9 से शुरू होते थे वे अब 8, 7 और 6 से भी शुरू होने लगे हैं। अगर ऐसे ही हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती गई तो जल्द ही हमारे नंबर्स भी यूएसए और चाइना देशों की तरह ही 11 डिजिट्स का हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।